हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस नॉलेज पर। दोस्तों आज मैं बहुत कमेंट आ रहा था सर हुई टू स्टेन सेतु का सिद्धांत तथा उसके बारे में हमें बता दीजिए, सिद्ध कर दीजिए। तो आज मैं इस टॉपिक को लेकर आपके सामने उपलब्ध हो गया हूँ। यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नो कोचिंग, नो ट्यूशन, ओनली ट्रिक। यहाँ पर मैं सारी चीजें ट्रिक से समझाता हूँ, तो कहीं आप वीडियो की भावनाओं में खो मत ना जाएं। इसलिए वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा है हुई टू स्टैंड सेतु का सिद्धांत सहित सिद्ध कीजिए। यानी कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको आपके सामने आपको पेपर में देखने को मिल जाए, तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है उस पर लिखना होता है हुई टू स्टोन सेतु के बारे में। किसने, मतलब ये एक वैज्ञानिक का नाम है। हुई टू स्टोन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया था, जिस पर तीन प्रतिरोध यदि आपको ज्ञात हो तथा चौथा प्रतिरोध निकालना हो, इसके लिए इन्होंने एक मस्ट फार्मूला सिद्ध करके दिया था, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। फिर आपको दूसरा स्टेप आपको लिखना होता है सिद्धांत। फिर जो तीसरा स्टेप होता है वो लिखना होता है आपको क्रियाविद। तो सारे के सारे स्टेप मैं इसी वीडियो पर आपको क्लियर करने वाला हूँ, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको हुई टू स्टेन सेतु के बारे में लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हुई टू स्टेन सेतु क्या है। तो मैं आपको बता दूं, हुई टू स्टेन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम एक अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। मैंने अभी अभी बताया इसका जो फार्मूला होता है पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस। ये सभी प्रतिरोध होते हैं। तो यदि स्टूडेंट आपको तीन चीजों का मान पता है तो आप चौथी चीज आसानी से निकाल सकते हैं। इनमें से किसी का भी तीन का मालूम हो तो आपको ये तो पता है कि ये जो हुई टू स्टेन सेतु थे एक वैज्ञानिक थे। तो हुई टू स्टेन सेतु के बारे में यानी वैज्ञानिक के बारे में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिक यानी कि आपका दोस्त, मान लेते हैं कि आपका एक दोस्त था, उसका नाम था हुई टू स्टेन सेतु, उसने एक निर्माण कर दिया। अरे ये तो गजब का काम हो गया, मेरे दोस्त ने एक हुई टू स्टेन सेतु नामक व्यवस्था काम किया। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, मैं बता देता हूँ। उसके बारे में आप कहेंगे कि प्रोफेसर, प्रोफेशनल तो लगाना ही पड़ेगा भाई। तो प्रोफेशनल हुई स्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिस पर उन्होंने बताया कि यदि आपको तीन प्रतिरोध ज्ञात हो तो चौथे प्रतिरोध का मान आसानी से निकाला जा सकता है। ये आपको लिख देना है हुई टू स्टेन सेतु वाले स्टेप पर। क्या लिख देना है आपके दोस्त के बारे में कि मान लेते हैं कि हुई टू स्टेन सेतु ने एक जटिल व्यवस्था का आविष्कार कर दिया, जिस पर यहाँ पर मैं कहो तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया है कि ये जो वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेशनल प्रोफेशनल हुइट स्टोन। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना होता है, इतना पता चल जाता है। प्रोफेशनल हुइट स्टोन से तूने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके अंतर्गत एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है या कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हुई टू स्टोन सेतु की एक यही व्यवस्था है कि किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जा सकता है। तो बस आपको इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया कि हुई टू स्टोन सेतु जो थे वो एक मनुष्य थे, एक वैज्ञानिक थे, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो आपको कह देना है इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेशनल हुइट स्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके अंतर्गत हम किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब रह गई बात सिद्धांत, तो ये आपको याद करने वाली बात है दोस्तों। सिद्धांत पर आपको सिर्फ इतना लिख देना है कि यह किरचाफ के दो तीन नियम पर कार्य करता है। क्या लिख देना है दोस्तों, किरचाफ के द्वितीय नियम पर आधारित राशि है या द्वितीय नियम पर कार्य करता है, कार्य करता है।
यहाँ पर मैंने लिख दिया है किरचॉफ के दो तीन नियम पर कार्य करता है। तो अब यहाँ पर आशा करता हूँ कि ये व्हिट स्टोन सेतु के बारे में और ये सिद्धांत आपके समझ में आ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर आपको चित्र बनाकर बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं व्हिट स्टोन सेतु का चित्र बनाने जा रहा हूँ, आप गौर से देखना। तो यहाँ पर मैंने देखो ऐसे बनाया, अब मुझे चार प्रतिरोध लगाना है तो मैं यहाँ प्रतिरोधों की भी व्यवस्था कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्रतिरोध की व्यवस्था कर दी, यहाँ पर मैंने दूसरे प्रतिरोध की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर प्रतिरोधों की व्यवस्था बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने चारों प्रतिरोधों को व्यवस्थित कर दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों? चारों प्रतिरोधों को व्यवस्थित कर दिया है। हालांकि चित्र टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो उस पर आप ज्यादा गौर ना करें, अपनी खुद की प्रैक्टिस रखें तो ज्यादा मैं बेहतर मानता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने प्रतिरोधों को व्यवस्था कर दिया है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये पी है और एक क्यू प्रतिरोध है और ये आर प्रतिरोध है और ये एस प्रतिरोध है। इसके बाद इतना होने के बाद मैं इसे एक बैटरी से ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बैटरी बना दिया, फिर इसके बाद मैं इस पर एक कुंजी बंद लगा देता हूँ ताकि हम इसे कुंजी मतलब बटन इस पर वो लगा देता हूँ ताकि हम इसे बंद भी कर सकें, पता चले चालू ही रहे। तो इसे बंद करने के लिए मैंने एक बटन लगा दिया। अब इसमें कितनी धारा बह रही है इसको मापने के लिए एक मैंने यंत्र लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? एक यंत्र लगा दिया जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो कुंजी मान लेता हूँ एक के है, आशा करता हूँ कि ये जो चित्र है ये आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ से अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से मैंने वैद्युत धारा आई छोड़ दिया। अब यहाँ से क्या मैंने माना, यहाँ से मैंने वैद्युत धारा छोड़ दिया। तो यहाँ से तार हमारा देख सकते हैं टूटा हुआ है, कुछ इधर गया है कुछ इधर गया है, तो हमारी जो धारा होगी वो भी टूट जाएगी। तो मैंने मान लिया कुछ धारा इधर चली गई जो हो गई आई वन और कुछ धारा इधर चली गई जो हो गई आई टू। तो यहाँ पर तो अब हमें तार टूटा नहीं दिख रहा बट लचका हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तार जो था टूटा था, आधा इधर गया था आधा उधर गया था, परंतु हमारा तार अब यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ भी हमारे वैद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वो आई वन ही होगी और यहाँ इधर से भी हमारा तार जब जाएगा तो यहाँ पर भी हमारी वैद्युत धारा आई टू ही होगी। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ए बी सी ये डी, कोई मान लेते हैं चतुर्भुज का आकार दिख रहा है, मान लेते हैं कोई एक चतुर्भुज है। तो स्टूडेंट आपको ये चित्र बनाना होगा आपके एग्जाम पर, इसी चित्र से मैं आपको समझा देता हूँ और आप इसी की थोड़ा सा पीडीएफ भी देख लेना जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्रिया विधि में क्या लिखना है। दोस्तों मैं आपको याद रखना दो स्टेप बता चुका हूँ व्हिट स्टोन सेतु के बारे में और इसके सिद्धांत के बारे में, अब मैं चर्चा करने वाला हूँ इसकी क्रिया विधि के बारे में। तीसरा स्टेप है दोस्तों क्रिया विधि। तो यहाँ पर आपको पता है कि मैंने यहाँ पर एक सबसे पहले इस कुंजी की बात कर लेते हैं, ये क्या, ये एक बटन है दोस्तों जो आपके प्लग उस पर होता है, मान लो बोर्ड पर होता है कि यदि आप मान लिया कि आपने बल्ब लगा है उस बल्ब का कनेक्शन इसी बटन से है मान लिया तो जब आप बटन को ऑन करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा, यदि आप बटन को ऑफ कर देंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी वर्क यहाँ पर है, जब हम कुंजी केवन को दबाएंगे तो वैद्युत धारा पूरे में प्रवाहित होने लगेगी। इतनी बात यदि आपके समझ में आई तो मैं अब इसकी क्रिया विधि बताना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, माना कि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस, आप भी देख सकते हैं मैं भी देख रहा हूं, माना कि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस चतुर्भुज के चारों भुजाओं पर, 1 2 3 4 चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कोई एक चतुर्भुज के आकार का दिख रहा है, भाई हमारा चतुर्भुज ऐसे ही तो होता है तो हमारा वही आकार दिख रहा है यहाँ पर हमें। तो देखते हैं हम यहाँ पर चतुर्भुज है और इसी चतुर्भुज पर हमारे चार जो प्रतिरोध हैं वो चारों भुजाओं पर रखे हुए हैं। अब इसके बाद जब इतना होने के बाद हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें क्रिया विधि पर क्या लिखना है, माना चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर रखे हुए हैं। इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या कहना है, जब हम कुंजी के को दबाते हैं
वैद्युत धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित होने लगती है, जो I1 व I2 में बट जाती है। जो इस धारा को मापने के लिए हमने बीकर बीडी पर एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह आपके समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट करना मेरे भाई, कमेंट आपके लिए बना है कमेंट बॉक्स, उस पर कमेंट जरूर किया करिए। ताकि वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, ये करना मत भूला करिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपकी क्वेरीज को समझ सकूं। यदि आपकी ज़्यादा क्वेरीज है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए भैया, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको जो क्रिया भी दिया है वो मैंने समझा दिया कि माना कोई चार प्रतिरोध PQRS जो कि एक चतुर्भुज के चारों विकर्णों पर या चारों भुजाओं पर अस्थायी रूप से रखे हुए हैं, जब हम कुंजी को K को दबाते हैं तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जो कि I1 व I2 में बढ़ जाती है। इस धारा को मापने के लिए हमने एक यंत्र बीकर बीडी के ये बीकर डाल दिया है, इस बीकर बीडी के बीचों बीच लगा दिया है। बस दोस्तों इतना सा आपको लिख देना है। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा सिद्ध करके लाना है फार्मूले को, जो कि मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किसके किरचॉफ के द्वितीय नियम से, यहां से मैंने किरचॉफ के द्वितीय नियम से कर दिया है। यहां पर हमें लेना होगा बंद पास, क्योंकि किरचॉफ का नियम भी बंद पास पे होता है। तो यहां पर आप गौर से देखिए, आधा बंद पास एक बार ले लेते हैं और आधा बंद पास एक बार ले लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बंद पास ए बी डी ए, एक बंद पास हमारा दिख रहा है, बंद पास। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये मैं पढ़ा रहा हूं उन्हें गुस्सा लग रही होगी कि समझ में नहीं आ रहा। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट एक एक वीडियो को फिजिक्स के देखें, ये आपके दौड़ कर समझ में आने लगेगा। ये मैं ढोल बजा के कहता हूं। तो यहां पर बंद पास ए बी डी ए, तो यहां पर हो जाएगा ए बी, फिर यहां पर हो जाएगा डी, फिर यहां पर हो जाएगा ये ए। ये हमारा एक बंद पास मैंने यहाँ पे ले लिया। इस बंद पास में मैं देख रहा हूं कि इधर प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध यहाँ पर पी है, और ये वैद्युत धारा कितनी है हमारी I1 है, वैद्युत धारा कितनी है हमारी I1 है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि इन धाराओं के जो साइन है वो विपरीत हुए जा रहे हैं। क्या हुए जा रहे हैं, एक जो हमारी धारा है ऐसे जा रही है और एक जो हमारी धारा है इधर जा रही है, तो ये विपरीत हो गए। इसलिए यहाँ पर हमें लगाना होगा माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसे चले जाते सीधे सीधे तो लगा लेते प्लस, परंतु हमारी धारा जा रही है इधर और लौट के आना है हमें इधर, क्यों, क्योंकि हमने बंद पास लिया है ए बी डी ए। तो यहाँ पर जब मैं रिवर्स लौटूंगा तो इसलिए यहाँ पर लगा लूंगा माइनस, और इधर है हमारा प्रतिरोध R और जो हमारी धारा है वह है I2 = 0। आशा करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा। यहां पर हो जाएगा PI1 = इसे उधर उठा ले जाएंगे तो हो जाएगा RI2, इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसे क्या मान लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानेंगे, सॉरी सेकेंड तो अभी फर्स्ट ही नहीं माना, तो इसे मान लेंगे फर्स्ट। अब लेंगे बंद पास, अब क्या लेंगे दोस्तों, बंद पास यहां पर लेंगे बी सी, ये देखिए स्टूडेंट यहां पर एक सी बिंदु है, तो बी सी बंद पास बी सी, ये देख रहे हैं सी डी बी, डी बी में, डी बी में आप क्या देख रहे हैं। अब उधर जब आपने बंद पास लिया तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो I1 है इसका प्रतिरोध Q है, तो यहाँ पर हम करेंगे I1 Q। इसके बाद फिर देख सकते हैं दोस्तों ये धारा इधर जा रही है और ये धारा उधर जा रही है, यानी धाराओं का जो साइन है फिर से विपरीत हो गया, तो मुझे यहाँ लेना होगा माइनस। फिर इसके बाद आते हैं इधर तो हो जाएगा I2 और फिर ये प्रतिरोध हो जाएगा S।
इक्वल टू जीरो, इसके बाद फिर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा आई वन क्यू इक्वल टू आई टू एस इक्वल टू, इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसे क्या मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको लिखना है यहाँ पर सन फर्स्ट भागे सेकेंड, समीकरण फर्स्ट भागे सेकेंड। तो यहां पर जब आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट भागे सेकेंड तो यहां पर देना है आपको भाग, तो ये भाग मैं आपको कहां पे दिखा दूं, ये भाग मैं आपको चलो यहीं पे दिखा रहा हूं, यदि आपको शायद दिख ना रहा हो मैं एक बार देखता हूँ, नहीं दिखेगा तो फिर मैं आपको उधर दिखा दूंगा। यहाँ पर जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा पी आई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी आई क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब भागे दूसरा देना है हमें भाग दूसरे का, तो हमारा दूसरा समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं आई वन क्यू, तो यहाँ पर कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको करना होगा आई वन क्यू इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं R I 2 फर्स्ट समीकरण में R इंटू आई टू और अपान में I 2 S, तो यहाँ से I 2 से I 2 कैंसिल हो जाएगा, I 1 से I 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनली बचेगा P अपान में Q इक्वल टू R अपान में S, जो कि हमें प्रूव करके देना था। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।